हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, और इस सिंपल स्ट्रेटजी से आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये यहाँ पे आपके सामने मैं मोबाइल पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो कि सर प्लीज़ वीडियोज़ बनाओ जिसमें आप मोबाइल पर ट्रेडिंग कर रहे हो, जिससे कि हम लोग भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकें कि हम भी मोबाइल से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ईजीएस्ट स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, किस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हो, वो सब मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइस, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और किस तरीके से मैं यहाँ प्रॉफिट बनाता हूँ वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ। और गाइस, आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी से किस तरीके से आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, यहाँ पे आप सभी लोगों को मिलने वाला है बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजीज का ढेर सारा भंडार। आप लोग चेकआउट कर सकते हो कंप्लीट यूट्यूब चैनल की हमारी प्लेलिस्ट को। और गाइस, आज जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही सिंपल होने वाली, हमेशा की तरह आप लोगों को इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट ही होगा। ओके, बट ये स्ट्रेटजी गाइस कब यूज़ करनी है और कब यूज़ नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप में से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपकी ये स्ट्रेटजी अभी वर्क कर रही थी बट अब नहीं कर रही है। तो गाइज, उसका रीज़न है कि मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है। कब कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करेगी वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो हमेशा याद रखो कि मार्केट की कंडीशन आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से होनी चाहिए, तभी आपकी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होंगे, पहले वो आपको 70-90% एक्यूरेसी दे रही होगी, देन सडनली आप लोग लगातार लॉस भी करना शुरू कर देते हो, बिकॉज आप लोग भूल जाते हो कि ये कब किस मार्केट के लिए है, किस मार्केट में ये वर्क करेगी और किस मार्केट कंडीशन में ये वर्क नहीं करेगी। तो आज का ये डिटेल वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ गाइस, और किस तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है वन बाय वन मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को गाइस। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आपके सामने है इंडिकेटर टैब, और इंडिकेटर टैब में आपको पहला इंडिकेटर लेके आना है ईएमए। ईएमए एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जो कि लगातार यूज करते हैं गाइस बड़े से बड़े ट्रेडर्स, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी का कोई तोड़ नहीं है गाइस। ओके, ईएमए 20 को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा अपने साथ। और एक और इंडिकेटर है जो कि आप जानते हैं, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा एमएसीडी का। ओके, तो एमएसीडी इंडिकेटर को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। तो हमारे पास दो इंडिकेटर हो चुके हैं, दोनों ही बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपके सामने है, आपको यही वैल्यू को सेट करना है अपने मोबाइल ऐप पर ट्रेडिंग करने से पहले। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले गाइस एमएसीडी इंडिकेटर में ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं इसको अलग करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम इंडिकेटर टैब पे और एमएसीडी पे टच करेंगे, और ये ब्लू लाइन को हटाना है तो इसको हम हिस्टोग्राम को क्लोज कर देंगे। ओके, अब आपके सामने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइन है जो कि ये ग्रीन एंड रेड लाइन। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, कब डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, कब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस कि कब आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है, जो कि कोई नहीं बताएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे पहले आप ये मार्केट को देखिए कि किस तरीके से मार्केट में चार्ट चला आ रहा है। हमें हमेशा मार्केट के फ्लो को देखना है। तो यहाँ मैंने सेट किया है कैंडल टाइम 15 सेकंड्स का, जो कि आपके सामने है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारे पास चार्ट टाइम है 15 सेकंड्स, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले हैं 1-2 मिनट की। और यहाँ पे गाइस आपको चार्ट को ऐसा देखना है कि आप यहाँ पे देख सकें कि मार्केट में फ्लो क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जो फ्लो है वो ऑलमोस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, यानी मार्केट जो है लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो इसको क्या हम बोल सकते हैं कि मार्केट इज़ इन द डाउन ट्रेंड? यस, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बट जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि यहाँ मार्केट जो है कुछ ही देर पहले एक रैली स्टार्ट कर रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो यहाँ पे मैं देखूँ तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है एंड ऊपर से कंप्रेस हो रहा है। तो ये आपको एक पैटर्न बनाता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर पैटर्न। ओके, तो अब मार्केट जो गाइस इस कंप्रेशन जोन के अंदर आ चुका है, इस कंप्रेशन जोन के अंदर है, तो मार्केट अब लगातार कहाँ जा सकता है? अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड भी ओपन कर लेता हूँ 2 या 3 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इस चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड आपको कब लेना है, व्हेन टू टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रेड, क्या कंडीशन है, क्या कन्फर्मेशन हैं जिनके बेसिस पे आप लोग ट्रेड लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे।
तो गाइज यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में जब भी 2 से 3 कैंडल 20 मूविंग एवरेज के नीचे जाती हैं एक अपवर्ड ट्रेंड के बाद, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, एक अपवर्ड मूवमेंट के बाद जब मार्केट में जो कैंडल्स हैं वो 20 मूविंग एवरेज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट करती हैं, जो कि यहाँ पे हुआ है, एंड MACD की जो यहाँ पे लाइन्स आप देख सकते हैं, रेड लाइन आपकी ग्रीन लाइन के ऊपर होती है, तब आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। ओके, तब आपको लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड। दिस वन इज द फर्स्ट कन्फर्मेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड कन्फर्मेशन। ओके, इसको आप फिर से सुन लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन। हे गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि VIP ग्रुप में $50 से $500 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है VIP ग्रुप, देन यू आर मिसिंग $50 to $500 सीरीज, जिसमें कि आप लोग अर्न कर सकते हैं $50 का डिपॉजिट करके विद आवर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। हम वहाँ पे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। VIP सेशन में दो टाइमिंग है, 6:30 PM एंड 9:30 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम, और वहाँ पे आपको मिलेंगे श्योर श्योर सिग्नल जिससे कि आप लोग बना सकते हैं प्रॉफिट। तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है VIP ग्रुप, तो जल्दी से मैसेज करो मुझे टेलीग्राम में, जिससे कि मैं आपको ऐड कर सकूं हमारे VIP चैनल में। ये आप देख सकते हैं यहाँ बाजू में हमारे VIP ग्रुप को, वी आर मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट ओवर हेयर। यहाँ पे हम लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो गाइज, और आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो जल्दी से मैसेज करो मुझे ऑन द टेलीग्राम टू ज्वाइन द VIP ग्रुप। टिल देन टेक केयर गाइज एंड गुड बाय। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं इस पोर्शन तक। तो यहाँ पे मार्केट एक लगातार डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था, और सडनली मार्केट में 20 मूविंग एवरेज को 3 से 4 कैंडल ने क्रॉस किया अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन इज अबव द रेड लाइन। तो दिस इज द कंडीशन फॉर अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड। दिस वन इज द फर्स्ट कन्फर्मेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड कन्फर्मेशन। तो ये है अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड के लिए कन्फर्मेशन। अब ये स्ट्रैटेजी आपको कब यूज़ करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को आपको कब यूज़ करना है। तो मार्केट में जब भी जो मूवमेंट है कैंडल्स का गाइस, वो एक पैटर्न में मूव होता है इस तरीके से, जिगजैग पैटर्न, या जिसको आप बोल सकते हैं साइनसॉइडल वेव की तरफ मार्केट में अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो ये होता है गाइस कि मार्केट एक डायरेक्शनल फ्लो में है। ओके, तो इस तरीके के मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है, कंसोलिडेशन का मतलब है 1 by 1 कैंडल्स बना रहा है लाइक दिस, मैं आपको वो सिनारियो भी दिखा देता हूँ कि कब मार्केट में आपको ट्रेड नहीं ओपन करना है। यहाँ पे आप देखिए इस पोर्शन पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पोर्शन है गाइस ये बहुत ही रिस्की पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मार्केट में कैंडल्स लगातार 1 by 1 बाजू में चल रही हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ, अगर आप 1 से 2 ट्रेड लॉस करते हैं तो आपको स्टॉप हो जाना है। ओके, यहाँ पे आप EMA भी देख सकते हैं, फ्लैट हो चुकी है, EMA भी फ्लैट हो गई है, एंड MACD की ग्रीन एंड रेड लाइन भी फ्लैट चल रही है। तो यहाँ पे दिस स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क। ओके, तो आपको यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पे हमारे को जो हमने पहला ट्रेड लिया था वो लॉस किया है, अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक ट्रेड प्लेस करूंगा और देखेंगे कि वो ट्रेड हमें प्रॉफिट देके जाता है या लॉस। सो लेट्स टेक अ ट्रेड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मार्केट को एनालाइज कर लूंगा फिर से कि किस तरीके से मार्केट में अभी मूवमेंट चल रहा है। तो जैसा कि मैं अभी यहाँ देख पा रहा हूँ मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का ट्रेड प्लेस करूंगा। इन्वेस्टमेंट होगा मेरा $1,000 का, डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड होगा, और नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है गाइस मुझे, इसीलिए यहाँ मैं वेट करूंगा। क्योंकि कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी का ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर ही लीजिए। ओके, अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो क्रॉस करना चाहती है येलो लाइन को, 20 मूविंग एवरेज को, एंड नीचे भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर दिया है। तो मैं यहाँ जा सकता हूँ 1 मिनट के अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड के लिए। थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई है, बट फिर भी हम वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे ये ट्रेड जो है अगर हमारा अनसक्सेसफुल होता है देन डेफिनेटली वी विल टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रेड, बट यहाँ पे हम वेट करेंगे। हमेशा याद रखो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है, भले ही आपके वो 2 से 3 ट्रेड लॉस होंगे, बट इन द एंड स्ट्रेटजी हमेशा आपको अगर 30% एक्यूरेसी भी दे रही है गाइस तो आपको प्रॉफिट ही होगा, बट आपको स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया, 2 से 3 कैंडल बन चुकी हैं, एंड नीचे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है। तो सारे कन्फर्मेशन जो हैं वो
हमें यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि मार्केट इज ट्राइंग टू मूव इन द अपवर डायरेक्शन और यहाँ हमें प्रॉफिट हो चुका है। ओके, तो प्रीवियस जो लॉस था फर्स्ट ट्रेड का वो भी कवर हुआ एंड प्रॉफिट भी बनाए। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये लाइव एग्जाम्पल था। इस पोर्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो कैंडल जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई हमने ट्रेड प्लेस किया, और आप नीचे भी देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन जब रेड लाइन के ऊपर चली गई तब हमने ट्रेड प्लेस किया। तो दिस वन इज द फर्स्ट कंफर्मेशन, दिस वन इज द सेकंड कंफर्मेशन एंड वी हैव प्लेस्ड अपवर डायरेक्शन ट्रेड एंड वी गॉट द प्रॉफिट। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करेंगे गाइस तो डेफिनेटली यू विल गेट द प्रॉफिट। ओके, अब मैक्सिमम लोगों के पास क्वेश्चन होता है कि सर कितने स्टेप तक मार्टिंगल यूज करना है। तो मैं हमेशा आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मार्टिंगल यूज करना चाहते हो गाइस तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 1% या लेस देन 1% यूज करना चाहिए और 2 से 3 स्टेप मार्टिंगल फॉलो करना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। ओके, वहां पे रुक जाना चाहिए। हमेशा याद रखो ट्रेडिंग में लॉस को एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज यू विल ब्लोन अप योर अकाउंट। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, अप डायरेक्शन का ट्रेड कब प्लेस करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड कब प्लेस करना है, कब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये सारा इस वीडियो में मैंने बताया है। और याद रखो गाइस कोई भी स्ट्रैटेजी कंसोलिडेशन मार्केट में वर्क नहीं करेगी, ज़्यादा फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी होगी तो वर्क नहीं करेगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप अभी तक VIP ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जल्दी से ज्वाइन करो, अदरवाइज यू आर लूजिंग लॉट्स ऑफ मनी विथ योर सेल्फ ट्रेड अंडर द गाइडेंस गाइज। और आप लोग हमारे साथ जुड़ के एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं एंड लॉस भी रिकवर कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो खासतौर पर आप लोगों के लिए बनाया गया था जिससे कि आप मोबाइल पर ट्रेड करना सीख सकें। टेक केयर गाइज़।